आप मैग्सेसे अवार्डी भी हैं और रविश कुमार को भी हाल ही में मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है, ऐसे में रविश कुमार एक अकेले पत्रकार देश में जिनके खिलाफ मुहिम भी चलती रही, ट्रॉल होते रहे लगातार, और जो लोगों की आवाज़ सरकार तक नहीं पहुंच पा रही थी उनकी आवाज़ पहुंचाने के लिए उनको अवार्ड दिया गया, कुछ बात ऐसी कि आपको लगता है मोदी सरकार के कार्यकाल में वाकई लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है? देखिए, रविश कुमार जी जब पत्रकारिता में आए उस वक्त मैं यमुना नदी की ज़मीन पर जो इन्होंने कब्जा कंपनियों ने कब्जा करना शुरू किया था तब मैं उसके खिलाफ आंदोलन कर रहा था। एक अकेला एकमात्र पत्रकार था रविश कुमार जो हमारे उस आंदोलन को दुनिया को लोगों को बताने के काम कर रहा था बिना डरे, जबकि जब तो दूसरी सरकार थी, अब तो दूसरी सरकार है, तो वो उसका किसी सरकारों से या दलगत राजनीति से लेना देना नहीं, उसका सच्ची बात से लेना देना है। इसलिए रवीश कुमार को ये पुरस्कार मिलना, मैं समझता हूँ वो उसका सही पात्र है, और मैं अपने मैग्सेसे फाउंडेशन को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस बार जो चुनाव किया वो बिल्कुल ठीक चुनाव है। एक अच्छे जर्नलिस्ट को, एक अच्छे पत्रकार को, जिस पत्रकार को इस तरह के सम्मान की इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, और ये इस वक्त क्यों ज़रूरत थी मैं वो नहीं विस्तार से बोल रहा, लेकिन इस वक्त उनको बहुत ज़रूरत थी। इस सम्मान से मिलने से मेरे देश का भला हुआ है, मेरे देश में एक अच्छे पत्रकार को ये सम्मान मिला। मैं उसके लिए सबसे पहले तो हृदय से रवीश को बधाई देना चाहता हूँ और मैग्सेसे फाउंडेशन को भी बधाई देना चाहता हूँ कि इस बार का सिलेक्शन उनका बिल्कुल उम्दा सिलेक्शन है, बिल्कुल राइट सिलेक्शन है। मुझे बस इतना ही कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर एनपीटीवी इंडिया से बातचीत करने के लिए। मेरी बधाई उस तक भेज देना, रवीश तक। रवीश तुम कहीं हो और ये सुनो तो मेरी बधाई स्वीकार लेना। मुझे फ़ोन ऑन करके बधाई देना नहीं आता, मैंने कभी किसी को फ़ोन करके बधाई नहीं दी, इसलिए रवीश भाई ज़रा इस बधाई को मान लेना। ये तो हमारे साथ वाटरमैन ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र सिंह।